हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सोनकर। आपका चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं चिकन मटर आलू कीमा की रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने चिकन कीमा तो बहुत बार खाया होगा, एक बार मेरे इस मसालेदार टेस्टी चिकन मटर कीमा को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन मटर कीमा की रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए मैं आपको सामान दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है, 5 हरी मिर्च है, 2 तेज पत्ता है, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटे टुकड़े सिनेमन स्टिक के हैं, 4 हरी इलायची है, 4 लौंग है और 2 मीडियम साइज के हमने आलू लिए हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार लेना है, 1 टीस्पून रेगुलर मिर्च है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये हमने कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है और यहाँ पर हमने 1 कटोरी ग्रीन पीस लिया है और हमने फ्रेश ग्रीन पीस लिया है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं जिनको हमने क्यूब में कट कर लिया है, 600 ग्राम के करीब चिकन कीमा है और हमने यहाँ पे फ्रेश कीमा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज को लाल कर लेते हैं। कीमा मटर आलू बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने डाला है मस्टर्ड ऑयल, 2 कलछुन के करीब मस्टर्ड ऑयल है। आपको जो भी तेल पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे पहले थोड़ा सा जीरा और फिर हम डालेंगे खड़े मसाले, सिनेमन स्टिक, बड़ी इलायची, अब सिनेमन स्टिक, हरी इलायची, अब डालेंगे हम लौंग, इनको थोड़ा सा हमें तड़कने देना है। अब मसाले हमारे तड़क गए हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, प्याज को हमें अच्छे से चलाना है और इसका कलर हमें ब्राउन होने तक चलाना है इसको। अब हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर हो गया इसका। इसमें हम ऐड करेंगे अब कीमा, अब इसको हम अच्छे से प्याज में मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें तेज रखना है। इसमें से जो पानी निकलेगा उसको हमें अच्छे से भूनना है, उस पानी को हमें जलाना है तभी कीमे में टेस्ट आएगा। इस तरह से हमें मिक्स करना है। जब तक हमारा पानी इसका सूख नहीं जाता तब तक हम इसको इसी तरह तेज फ्लेम पर चलाएंगे। कीमे में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, देखिए इसमें पानी कितना आ गया है। इसी पानी को हमें चलाना है, पूरा सूख जाएगा, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और इस तरह इसकी जो गांठें बन रही हैं इसको हमें इस तरह से तोड़ना है। और तेज फ्लेम पर ही हमें इस पानी को सुखाना है। देखिए फ्रेंड्स, जो कीमे ने पानी छोड़ा था वो सब सूख गया है और तेल अलग हो गया इसमें से। अब इसमें हम मसाले सब ऐड करेंगे अच्छे से इसको मिक्स करके। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट,
इसको डाल के थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। अब इसमें नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लें। अब जाएगा हमारा कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसी में हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगा हमारा धनिया पाउडर। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार लें। अब हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब जाएगा काली मिर्च पाउडर। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसी में हम ऐड करेंगे क्यूब किए हुए टमाटर। और इस तरह से हम चलाएंगे। देखिए गाइस, मसाला डालते ही इसमें ज़बरदस्त कलर आने लग गया है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, और इसको कवर कर देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने टमाटर के क्यूब डाले थे, आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। टमाटर अब हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मटर, और आलू, इनको भी हमने क्यूब में कट कर लिया है। अब इसको हम चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कलर कितना प्यारा आ रहा है इसका। अगर यहाँ हमने फ्रेश मटर लिया है, अगर आपको फ्रोजन मटर लेना है तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश मटर को कुक होने में थोड़ा समय लगता है। जब आप मसाला डालें तो आप इस फ्रेश मटर डाल सकते हैं, और फ्रोजन मटर को कीमा बनने के 5 मिनट पहले डालें, क्योंकि इसको कुक होने में समय नहीं लगता। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और मसालों की मात्रा आप फिर बढ़ा दीजिए। मैं सूखा बना रही हूँ, और मैं इतना पानी डाल रही हूँ जिसमें हमारा मटर और आलू अच्छे से कुक हो जाए। उबाल आने के बाद फिर मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। बीच बीच में हमने गैस का फ्लेम तेज करा था और चेक करते गए थे। अब इसकी हम करेंगे अच्छे से भुनाई, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं हम मिर्च बीच में से कटी हुई। और इसमें अब ऐड करेंगे कसूरी मेथी, क्रश करके डालेंगे। आप चाहे तो रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको हम इस तरह से चलाएंगे। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सूखा चाहिए। और अब करते हैं इसकी भुनाई। भुनाई हमें अच्छे से करनी है। जब तक हम भुनाई अच्छे से नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छे से निकल के नहीं आता। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है।
फ्रेंड्स हमने अच्छे से कीमे को भून लिया है। देखो मसाले में से तेल भी अलग हो गया है और आलू भी हमारे कुक हो गए हैं अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे छोटा आधा नींबू का रस, और थोड़ी सी धनिया की पत्तियां ऐड करेंगे हम। इसको अच्छे से हम इस तरह से चला देंगे। एक मिनट इसको कवर करके फिर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हमारा चिकन मटर कीमा अब रेडी है और इसमें जो हमने खड़े मसाले ऐड किए थे वो निकाल लेते हैं हम। अब इनका फ्लेवर इसमें आ चुका है, तेल भी कीमे में से कितना अच्छा आ गया है। अब करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। देखिए गाइस कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। इसका कलर देखिए फ्रेंड्स, अब हमने प्लेटिंग कर ली है टेस्टी स्पाइसी चिकन मटर आलू कीमा की। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी एक बार मेरी इस मेथड से चिकन आलू मटर कीमा बनाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगा। और आप बार बार मेरे इस मेथड से ही चिकन मटर कीमा बनाएंगे, आप इसको रोटी चपाती नान और राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।